एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रमा ट्यूबर। कैसे हो आप सब? आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ लैक्मे के मूव्स का रिव्यू। और ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है क्योंकि मेरे को इसको यूज करते हुए 6 ईयर्स हो गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी इसका रिव्यू और डेमो दोनों शेयर करूँ कि ये कितने आवर्स स्टे करता है, कौन सी स्किन को ये सूट करता है, इसमें कितने शेड्स आते हैं और ये कितने का आपको मिल जाएगा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। सो लेट स्टार्ट। पर प्लीज स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। तो ये है लैक्मे का मूव, आप देख सकते हो ये इस पैकेजिंग में आता है। और इसको ऐसे ओपन करोगे तो आपको अंदर से ऐसी पैकेजिंग मिलेगी, आप देख सकते हो इस पैकेजिंग में आता है। अंदर से इसकी पैकेजिंग ऐसी होती है, बोल शेप में, बहुत ही क्यूट और हैंडी पैकेजिंग है। आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो, आपको गिरने का, फैलने का या खराब होने का डर नहीं है। इसको कहीं पे भी आप लेके जा सकते हो, बहुत ही ज्यादा हैंडी पैकेजिंग है इसकी। अब मैं आपको बताती हूँ इसके शेड्स के बारे में। ये 4 to 5 शेड्स में आता है और मेरा शेड है 01 आइवरी, 01 आइवरी शेड है मेरा, आप देख सकते हो। आप अगर आपकी स्किन का शेड मेरी तरह है तो आप 01 शेड ले सकते हो। अगर आपकी स्किन का शेड मेरे से थोड़ा डार्क है तो भी आप ले लेना, पर अगर ज़्यादा डार्क है तो आप 02 ट्राई कर लेना कलर। और इसकी जो मतलब टेक्सचर है ना, वो आप अपने फेस पे लगाओगे तो ऐसे लगेगा आपको जैसे फैदर टच फिनिश है। इस पे खुद लिखा भी हुआ कि फैदर लाइट टेक्सचर है इसका, सच में फैदर लाइट टेक्सचर है इसका। मेरे को 6 ईयर्स हो गए इसको यूज करते हुए। इसको लगाने के बाद भी आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आई मीन टू से कि कॉम्पैक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। और इसको लगाने से पहले आपको प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें प्राइमर और कॉम्पैक्ट दोनों होता है। इसकी पैकेजिंग में आपको ये भी बताएंगे कि एक्सपायरी डेट इसकी कितनी है। ये 2 ईयर्स की इसकी शेल्फ लाइफ होती है, 2 ईयर्स में आपकी ये 1 ईयर चल जाती है। ये आप 1 ईयर बहुत आराम से आपका निकल जाएगा और इसकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा कम लगती है। और इसको लगाने के बाद और पहले, जैसे कि मैंने बताया, कॉम्पैक्ट और पहले प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सिलिकॉन होता है तो आपको प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्राइमर लगाना चाहते हो तो आप टिंटेड बेस्ड प्राइमर लगाना, मतलब कि जो क्रीम टेक्सचर में होता है व्हाइट कलर का प्राइमर, वो लगाना। आप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर मत लगाना। और आप कॉम्पैक्ट लगाना चाहते हो वो भी आपकी चॉइस है। मैंने आपको दिखा दिया इसकी पैकेजिंग, यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, यहाँ पे इसकी एक्सपायरी और रेट मिल जाएगा। इसका रेट है 825 है। मैंने इसको लोकल मार्केट से लिया था, मेरे को 750 की पड़ी है। अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो आपको ऑनलाइन बहुत आराम से 550, 600 और 650 के बीच में मिल जाएगी। मैंने इसको ऑफलाइन लिया था अपनी लोकल मार्केट से। और इसमें आपको SPF भी मिलेगा, SPF 8, मतलब कि धूप में भी आप इसको लगा के जा सकते हो। इसको लगाने से पहले आपको सनस्क्रीन लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसको इसके अंदर SPF 8 है। मैं आपको बताऊंगी ये कौन सी स्किन को सूट करता है। जो ऑयली टू नॉर्मल स्किन है उनके लिए बेस्ट है और जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए भी ये अच्छा है। पर उनको ये है कि उनको अपना फेस अच्छी तरह मॉइस्चराइज कर लेना इसको लगाने से 5 मिनट पहले। जैसे कि मैंने अभी अपना फेस मॉइस्चराइज किया हुआ है क्योंकि मैंने आपको इसका डेमो भी दिखाना है, तो मैंने पहले ही मॉइस्चराइज कर लिया था क्योंकि मेरी स्किन का टेक्सचर है ड्राई, मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है। और मैं फिर भी इसको यूज करती हूँ क्योंकि मैं इसको यूज करने से पहले अपनी स्किन को अच्छी तरह मॉइस्चराइज कर लेती हूँ सीरम से, मॉइस्चराइजर से, या जो भी मेरे को सूट करता है उससे। आपकी स्किन भी ड्राई है तो आप इसको लगाने से पहले अपनी स्किन को अच्छी तरह मॉइस्चराइज कर लेना। अगर आप कहीं पे जा रहे हो, आप सुबह जा रहे हो, आपने रात को वापस आना, तो आप ये लगा के जा सकते हो क्योंकि ये आपको इतना लाइट फील करवाएगा पूरे रास्ते और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने फेस पे कुछ लगाया हुआ है। अब मैं आपको ये खोल के दिखाऊंगी इसकी पैकेजिंग, आप देख सकते हो। इस पे लिखा हुआ 16 आवर्स तक ये स्टे करता है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको डेमो के साथ, अभी तो मैं आपको डेमो दूंगी, पर आप मेरा व्लॉग भी जाके देख सकते हो जो मैंने सुबह 5 बजे उठ के मैं कहाँ गई। तो मैंने सुबह इसको 5 बजे अपने फेस पे अप्लाई किया था और रात को मैंने 11 बजे अपना फेस वॉश किया है। और आप देख सकते हो ये एज इट इज वैसे का वैसे ही मेरे फेस पे रहा था। और ऑक्सीडाइज ये बहुत कम होता है, ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ये बहुत अच्छा है, इसका टेक्स्चर अच्छा है। इसको लगाने के बाद और पहले आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब आपकी स्किन में भी बहुत लाइट आपको फील करवाता है। इसकी फेदर टच फिनिश है और ये मैट है। अब मैं आपके साथ इसका डेमो शेयर करूंगी। अब मैं इसकी ये पैकेजिंग है जो आप देख सकते हो, अब मैं इसको ओपन करूंगी। मैंने अपने फेस को अच्छी तरह मॉइस्चराइज पहले कर लिया क्योंकि मेरा फेस ऑलरेडी ड्राई है, मेरी स्किन ड्राई है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा और इतना सॉफ्ट है, ऐसा लगता है जैसे बटर लगाया हुआ है। ये देखो बिल्कुल बटर वाला टच, फिर जिसको टच करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम ना बटर को टच कर रहे हैं, इतनी ज्यादा अच्छी। मेरे को सिंस 6 ईयर्स हो गए हैं इसको यूज करते हुए और मेरा मन नहीं करता कि मैं कहीं दूर जा रही हूँ या फिर मेरे को जब भी कोई लाइट मेकअप करना होता है, जल्दी जल्दी में मेकअप करना होता है, या फिर मेरे को कोई भी मेकअप ऐसा हो कि मेरे को ज्यादा डार्क मतलब हैवी फील ना करवाए फेस पे, तो मैं ऑलवेज इसको ही यूज करती हूँ। तो अब मैं आपको डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी पहले।
मैं प्राइमर नहीं लगा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया है। प्राइमर और कॉम्पैक्ट आपकी चॉइस है, अगर आप लगाना चाहते हो। जब मैं इसको यूज करती हूँ तो मैं प्राइमर कॉम्पैक्ट कुछ भी नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ अपने फेस को अच्छी तरह मॉइस्चराइज कर लेती हूँ बस। अब मैं बताती हूँ आपको अपनी स्किन पे ये अप्लाई कैसे करना। आप फिंगर्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास ब्रश नहीं है। और मेरे एक चीज का तो जरूर ध्यान रखना, आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ बिल्कुल भी ब्लेंड मत करना कभी भी। अगर आपने ब्लेंड करना है अपने फिंगर्स के साथ करो या फिर आप ब्रश के साथ करो। मैं आपको अपनी फिंगर्स के साथ करके बताती हूँ, क्योंकि आप देख लेना फिंगर्स के साथ भी बहुत अच्छी इसकी फिनिश आती है। ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, बहुत इजीली। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश के साथ भी ब्लेंड कर सकते हो। इसकी फिनिश फिंगर्स के साथ भी बहुत अच्छी आती है और ब्रश के साथ भी बहुत अच्छी आती है। और इसकी क्वांटिटी भी बहुत कम लगती है, आपको ज़्यादा क्वांटिटी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत अच्छी है, मतलब इतनी क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। मैं कर रही हूँ कंटूरिंग, कंटूरिंग मैं फेसिस कनाडा के किट में से कर रही हूँ। मैं आपको फुल फेस मेकअप कर बताऊंगी इसके साथ ही करके पूरा। मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक डाल दूंगी अपने व्लॉग्स का, कि मैंने सुबह 5 बजे मेकअप किया था, उसके बाद मैंने रात को 11 बजे जाके फेस वॉश किया है। और आप पूरे व्लॉग में देख लेना, मेरा मेकअप एज इट इज वैसे का वैसे ही था। मैं नोज की कंटूरिंग कर रही हूँ। अब मैं लगाऊंगी ब्लशर। मैं लगा रही हूँ काजल मेबेलिन का। मैं यूज कर रही हूँ लिपस्टिक, ये है कलर क्वींस की लिपस्टिक शेड नंबर 824 न्यूड। अब मैं लिपस्टिक को एज ए आई शेडो भी लगा रही हूँ। सो आप देख सकते हो मेरा फुल फेस मेकअप, मैं क्लोज आके भी दिखा रही हूँ आपको। आप देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिश आई है। अगर आप भी इसको यूज करना चाहते हो तो मैं इसके लिए आपको थम्स अप दूंगी 100%। मैं आपको कहूंगी कि आप इसको यूज कर सकते हो, चाहे आप ऑयली स्किन है, चाहे आपकी ड्राई स्किन है, चाहे नॉर्मल स्किन है। मैंने तीनों स्किन के लिए आपको बता दिया कि आपने क्या यूज करना है इसको लगाने से पहले। रेंज थोड़ी सी इसकी हाई है, पर आपको इतनी रेंज में मिल भी तो इतना अच्छा रहा है मूज, जो आपको इससे बेस्ट मूज नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा ये मूज है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, और मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।